गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि भास्कर सर जो है एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि आपके इसी में से मैच करेंगे क्वेश्चन, और वो वीडियो उनसे डिलीट करवा दी गई है। ये तो मुझे नहीं पता क्यों करवाई गई है या किसने करवाई है, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गई है। और उन्होंने उसमें एकदम एग्जैक्ट श्योर हो के बताया था कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आप CBSE NCERT के हो तो वो वाली एकदम मैच करती और करेगी, और वो एक टीचर है तो अच्छे से बता भी सकते हैं। और उनसे वीडियो डिलीट करवा दी गई, इसका मतलब वो पक्का आने ही वाला होगा, तभी करवाई गई। लेकिन अब वो जो वीडियो डाल रहे हैं एक एक चैप्टर वाली, उसमें वो जैसे उस वाली वीडियो में वो दो क्वेश्चन बताते थे उसमें से एक मैच करता, लेकिन अब जो बता रहे हैं वो चार बता रहे हैं एक मैच करेगा। तो वो काफ़ी मतलब आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, 3 दिन बचे हैं बस। तो मैं वो क्वेश्चन मैंने टिक लगा लिए थे, तो मैं आप लोग को वो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर से उन्होंने बोला था ये एल्गोरिथम या लेमा, ये दोनों में से कोई एक आएगा। तो ये दोनों आप छोटा छोटा डेफिनेशन है, एक नंबर में आएगा वो बोले थे। और एक्सरसाइज 1.1 में से 5th वाला उन्होंने बोला था, तो आप लोग ये देख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए। और 1.3 में से उन्होंने बोला था प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल, और उन्होंने बोला था √7 भी आ सकता है। तो बस जहाँ पर √5 होगा वहाँ √7 लिख देना है, और क्या, बस कोई आंसर आना। और 1.4 उन्होंने बोला था छोड़ देने को, उसमें से कुछ नहीं आएगा। पॉलीनोमियल्स में उन्होंने क्या क्या बताया था मैं बता दे रहा हूँ। तो एग्जांपल नंबर 9 उन्होंने बोला था कि ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो एग्जांपल नंबर 9 आप लोग देख लीजिएगा। और 2.2 में से और 1 में से तो कुछ नहीं आएगा इसमें। 2.3 में से 3 और 4th वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। और ये वाला ऑप्शनल का भी उन्होंने 3 और 4th वाला बताया है, तो ये लोग आप देख लीजिएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें से क्या क्या उन्होंने बताया था ये मैं आपको बता दूँ। तो आपको 3.2 में से 7th वाला करके जाना है, ये वाला आप कर लीजिएगा। 3 दिन बचे हैं दोस्तों, आराम से आप लोग एकदम रट लीजिएगा इन सब क्वेश्चन को, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा। और इसका 3.3 का ये सेकंड वाला 3 स्टार है, जिसमें 3 स्टार आपको दिख रहे हैं वो उन्होंने ट्रिक करवाए हैं। ये एग्जांपल नंबर 13 भी कर लीजिएगा, एग्जांपल नंबर 13। और फिर बाकी कुछ नहीं, फिर ये 3.5 में से कुछ नहीं, ये NCERT वालों के लिए नहीं है, अगर आप अदर बोर्ड से तब उन्होंने टिक करवाया था। तो 3.5 में से भी कुछ नहीं। एग्जांपल नंबर 19 आप लोग देख लीजिएगा, ये उन्होंने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीक समझिए। तो 3.6 में से कुछ भी नहीं, और 3.7 ऑप्शनल में से उन्होंने ये NCERT के लिए नहीं बोला, अलग बोर्ड के लिए नहीं बोला था उन्होंने। और फिर इसमें 4.1 में का सेकंड का 4th, ये आप लोग देख लीजिएगा। और अब वो जो वीडियो डाल रहे हैं उसमें बहुत सारा ऑप्शन दे दे रहे हैं, लेकिन ये वाला मेन है उनका। फिर 4.2 में से कुछ नहीं करना है आपको। फिर आपको 4.3 में से 3 का दोनों पार्ट उन्होंने बोला था, तो दोनों में से कोई एक तो मैच कर ही जाना चाहिए। और बस इसमें इतना। और 4.4 में से ये 2 का 1st और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें से उन्होंने क्या क्या करवाया था मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। ये एग्जांपल नंबर 8 आप लोग देख लीजिएगा, 5.2 में से 13 और 14, 5.2 में से 13 और 14, और ये 17 वाले में 3 टिक लगवाया था उन्होंने। और इसमें से 5.3 में से आपको 10 का ये दोनों पार्ट करना है, और 10 और 11 आपको करके जाना है। और ऑप्शनल कहने को ऑप्शन है उन्होंने कहा था, लेकिन ये लीक समझिए ये वाला 1st वाला। और 6 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में उन्होंने क्या क्या बताया था, थ्योरम 6.1 करके जाइएगा। और ये एग्जांपल नंबर 2 मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग करते जाइएगा। 6.2 में से 1
और एट एग्जाम्पल एट ज़रूर से कर लीजिएगा, उन्होंने बोला था एग्जाम्पल एट। फिर यहाँ पे 6.5 एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये करके जाइएगा, एक नंबर में आएगा, इसका बोला था उन्होंने। और 6.4 में से पहला वाला ज़रूर से कर लीजिएगा, वो दोनों मिक्स करके आएगा। और ये है 6.8 थ्योरम, ये भी आएगा। और ये वाला एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्ज़ाम्पल नंबर 13, एग्ज़ाम्पल नंबर 14 और एक्सरसाइज 3.6 में से, ये अदर बोर्ड के लिए था, एनसीईआरटी के लिए नहीं था। तो अब सेवन, चैप्टर सेवन में से उन्होंने बोला था 7.1 का 8 और 9 और 10। और ये एग्जांपल नंबर 10 आप लोग देख लीजिएगा, 3 स्टार उन्होंने दिया था इसमें। 7.2 में से 7, 3 स्टार, 8 एंड 10, 4 भी देख लीजिएगा। और 7.3 में से थर्ड वाला ही बस आप लोग को करना है। और ऑप्शनल में से ये तीनों क्वेश्चन आपको 3 स्टार के उन्होंने दिए थे, तो कोई तो मैच कर ही जाएगा। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में से उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 2 बोला था, एग्जाम्पल नंबर 5 भी देख लीजिएगा। और 8.1 में से उन्होंने फ़िलहाल कुछ नहीं बोला था। और एग्ज़ाम्पल नंबर 8 चेंज होके आएगा मतलब, लेकिन आंसर उसका यही आएगा, चेंज होके आएगा बस। आप लोग तो उतना तो आप लोग टेंथ में, हम लोग तो जानते ही होंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 11 और इसका 3, 4, 5, ये करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इजी तो है। और एग्ज़ाम्पल नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्री का, फिर 8.4 में से सेकेंड वाले को 3 स्टार दिए उन्होंने। और फिर यहाँ उन्होंने बोला था 5th, 6th और 7th देख लेने को। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने ये सब टिक लगवाए थे, 15, 13, 9 एंड 10। और सर्कल्स में से ये 2 स्टार का है, एनसीईआरटी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है, इसमें भी 2 स्टार है, देख सकते हैं, तो पढ़ लीजिएगा वो सब, तो आप लोग रिविज़न कर दें। एग्जाम्पल नंबर 3 में 3 स्टार है, ये आप लोग ज़रूर से देख के जाइएगा। फिर यहाँ से इसमें 10.2 मेन है मतलब 6, 7, 8, 9 एंड 12, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये वाला तो एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा था। और कंस्ट्रक्शन में से देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में से उन्होंने 11.1 से 5th वाला लिया था, 11.2 में से 4th वाला लिया था, 4th वाला। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से 12.1 में से उन्होंने 2.5 को दिया था, मतलब सीबीएसई के लिए उन्होंने नहीं कहा था। और 12.2 में से 5th वाला आपको करके जाना है, 3 स्टार है, और एग्जाम्पल नंबर 4 करके जाना है। और यहाँ से ये 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा था देख। और एग्जाम्पल नंबर 5 ज़रूर से कर लीजिएगा, एग्ज़ाम्पल नंबर 6, एग्ज़ाम्पल नंबर 10, ये अरे एग्ज़ाम्पल बोला हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और ये 15 वाला, फिर 16 वाला ज़रूर से एकदम रट के जाइएगा, मतलब आने वाला है, बदलेगा भी नहीं। फिर आ गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 13.1 में से क्या आ रहा है, 9 एंड 7 आपको पढ़ के जाना है। एग्जाम्पल नंबर 7 देख लीजिएगा। और ये वाला गुलाब जामुन वाला, ये वाला बहुत अच्छे से करके जाइएगा, आ सकता है, उन्होंने कहा था। 13.3 में से तो फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन 13.3 में से 8 और 9 वाला 3 स्टार दिया तो कहा था कि ये ज़रूर आएगा, ज़रूर से कर लीजिएगा। और फ्रस्टम ऑफ अ कोन से आपका 4 और 5 करके ही जाना है, 13.4 में से। बस स्टैटिक्स में आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं, एक्स और वाई, फाइंड एक्स और वाई वाला ज़रूर आएगा इसमें, उन्होंने 3 पे टिक कराया था, ये वाले पे। एक्सरसाइज 14.1 का 3 वाला आपको करके जाना है, 3
थ्री करके जाइएगा, और एक्सरसाइज मतलब एग्जांपल 8 आपको करके जाना है, 3 स्टार दिया था उन्होंने। फिर यहाँ पे ये उन्होंने बोला था 1 नंबर में आ जाएगा, तो ये ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दे रहा है ये। और फिर 14.3 में से ये 2 वाला उन्होंने बोला था एक्स और वाई, फाइंड एक्स और वाई वाला, ये ज़रूर से करके जाइएगा। और ये 14.4 में से 2 3 स्टार है, ये प्रोबेबिलिटी में से मैच नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने उस क्वेश्चन बताए कुछ मैच नहीं करेगा बुक से, लेकिन उन्होंने टिक करवाए थे ये वाला। तो बस इतना था आज की वीडियो में, प्रोबेबिलिटी से मैच नहीं करेगा, तो आप लोग अपने से भी कर सकते हो प्रोबेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा कि आप लोग को कैसे मतलब करना है। तो ये सब क्वेश्चन जो मैंने बताया उन्होंने भी बताए थे, और काफ़ी अच्छा बताया था कि ये मैच कर सकता है आपके बोर्ड में, और उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी। डिलीट कर दी इसका मतलब कि पक्का कुछ तो उसमें से मैच करेगा ही, तभी वीडियो डिलीट हुई है। और अब वो जो ऑप्शन दे रहा है एक एक चैप्टर का, वो ऑप्शन कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं, और 3 दिन में कम्प्लीट करना इम्पॉसिबल है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। तो 3 दिन में आप लोग ये क्वेश्चन को पूरा रट जाइए, दम ख़त्म कर दीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएगा। और मैं चैनल पे नया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब जो जो क्वेश्चन बताया उसका सॉल्यूशन सही चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।